आइडिया या किसी रियल इंसिडेंट से या फिर रियल इंसिडेंट से ज्यादा ना ये रियल इमोशंस और रियल रिस्पॉन्सेज हैं टू द वर्ल्ड दैट वी लिव इन. बॉम्बे में मैं जब बॉम्बे में आया था 12 साल पहले तो एक चीज है बॉम्बे के बारे में जो मैं देखकर और एक्सपीरियंस करके मैं हिल गया था क्योंकि लोकल ट्रेन में हो या बीच पे एकदम सन्नाटे में बैठे हो एक मिनट का सन्नाटा रहता है उसके बाद कोई चिल्लाता है कोई कुछ फेंकता है कहीं भी कुछ हो जाता है एंड यू आर लाइक मैं कहाँ आ गया मैं किसी की स्पेस तो वायलेट नहीं कर रहा. तो वो दैट सेंस ऑफ वायलेंस वो मेरे अंदर धीरे धीरे वो पनपता जा रहा था इतने सालों से. एंड दिस कैरेक्टर एक्चुअली लाइक मनोज जी सेड इट्स अ फीचर फिल्म दैट वी आर ट्राइंग टू मेक टुगेदर जिसमें भी वो कैरेक्टर एक लोअर लेवल पुलिस वाला है और उसकी एक्सपीरियंस भी यही है दुनिया के साथ. वो कहीं ना कहीं एक अपने अंदर की शांति ढूंढ रहा है पर वो अंदर की शांति और बाहर की बेचैनी के बीच की कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं. तो ये आइडिया वहीं से आया. तो अब आप पूछोगे कि इसको पुलिस वाला क्यों बनाया हमने क्योंकि एक यहाँ पे यू नो द स्टोरी इज रियली अबाउट अ फादर एंड अ डॉटर और एक वर्दी वाले पर ना वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा रहती है क्योंकि हम एक एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि ये अगर घूस ले तो गलत है पर हमने ले लिया तो हम उसको जस्टिफाई कर लेते हैं. अभी जो है मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि सुधीर त्रिशु और अनुराग कश्यप इतने बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स हमारे बीच में है अच्छा बुरा जो भी है वो आपके सामने कुछ इस फिल्म के बारे में थोड़ी बात करते हैं. सुधीर सबसे पहले आप नहीं मतलब फॉर मी इज आई डोंट नो मैंने तो वो फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है काफी समय पहले. मेरे को तो तांडव जो है उस फिल्म का ट्रेलर था लगा और देख के लगा कि वो फिल्म का जो पावर है जो स्क्रिप्ट में उसे दसना ज्यादा विश्व भी और निकल के आता है. तो मतलब 5 साल पहले पड़ी थी फर्स्ट ड्राफ्ट. और अगर ये है फीचर फिल्म का तुम बनाने से अलग तो यार अच्छी बात है प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे बात करते बाहर. नो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ देवशीष बिकॉज की सारी शॉर्ट फिल्म मैंने लिखी है पहली से लेकर आज तक. और पहली शॉर्ट फिल्म तो एकदम पता नहीं कहाँ से आई थी जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था बिना बताए चला गया था ये. और इसका दोस्त रजत और पीयूष भाई को लेकर चले गए थे. पीयूष भाई से मेरी बात हुई उन्होंने कहा मैं क्या कुछ कुछ डबिंग करके आ रहा हूँ देवाशीष मकीजा के लिए. तो वो थी रहीम मुर्गे के पत्र और कमाल की शॉर्ट फिल्म थी 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी और 1 मिनट में उसने बहुत कुछ कह डाला. उसके बाद से लगातार आई बीन वॉचिंग इट जर्नी. इसने किताबें लिखी हैं इसने एग्जीबिशंस किए हैं एक होता ना कंप्लीट आर्टिस्ट और किसी भी बात पर बहस नहीं कर सकते. एक ही चीज में हमारा कॉम्पिटिशन चलता था कि बुरे जोक्स कौन ज्यादा बुरा सुना सकता है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिज जर्नी एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म. इट्स रियली अ ग्रेट फिल्म. इफ इट्स अ फर्स्ट प्रोडक्शन देन इट सेट्स अ वेरी हाई स्टैंडर्ड एंड कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू अनुराग. नाउ तिग्मांशु धुलिया आज जिम्मेदारी है क्योंकि ये जो डायरेक्टर हमारे बगल में बैठा है अब क्या है कि थोड़ी माननी पड़ती है कि अब तुम सीनियर हो गए हो थोड़ा आशीर्वाद देना पड़ता है. एक काबिल डायरेक्टर काबिल असिस्टेंट और बहुत ही बेहतरीन फिल्म. मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट फिल्म्स की दुनिया से मेरा ताल्लुक रहा नहीं लेकिन देखता हूँ. और इसमें जो उस फिल्म में मुझे अच्छा लगा वो उसका एंड बहुत बहुत बढ़िया टेक्निकली बहुत अच्छी गई है. अपने साउंड डिजाइन ब्रिलियंट काम किया है. जिस तरह फिल्म एंड होती है शॉर्ट फिल्म हमेशा होता है कि आप एक छोटी सी चीज को घटाते हैं और कुछ और अंत में कुछ हल्का सा एक घुमाव दे देते हैं वो इतनी बड़ी बात कह जाता है. और उसमें जो बड़ी बात थी कि जिंदगी जी लो यार तो वो बहुत अच्छा था. तो इतने कम समय में इतनी अच्छी बात कह जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है. और ऑल द बेस्ट टू movies.com ऑल द बेस्ट टू यू लाइफ यार. सो ये भाई हर बार जब मैं किसी जूरी में होता हूँ शॉर्ट फिल्म की तो फर्स्ट प्राइज इसी को मिलता है. ये मतलब मैं तो आई सीन लॉट ऑफ फिल्म ब्रिलियंट. बहुत मुश्किल है शॉर्ट फिल्म बनाना. मुझे तो फीचर से ज्यादा मुश्किल लगता है बिकॉज वो एंटी डायलॉग होती है थोड़ा सा. उसमें विजुअल जो और सिनेमैटिक कंट्रोल डायरेक्टर का ज्यादा पता चलता है क्योंकि लॉन्ग फिल्म में तो एक सवाल होता है उस सवाल का जवाब होता है फिर एक सवाल होता है फिर जवाब होता है. तो थोड़ा इम्प्रेशन टू सजेस्ट एंड Leaves you with a feeling. वो बड़ा मुश्किल काम है और बहुत अच्छा काम किया है. साउंड डिजाइन बहुत ही अच्छी है.
विजुअली बहुत अच्छी है, कटिंग बहुत अच्छी है, और जिस पॉइंट पे अनएक्सपेक्टेडली छोड़ती है वो बहुत ही कमाल है। ऑल द बेस्ट, ब्रिलियंट, वेरी गुड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चन। Like he said that sinister, आप एक मूवी को उस पे ले जाते हो sinister जैसे दिखाने की कोशिश करते हैं, and the end में you turn it the face and you make it laugh also applaud, that is very nice part of it. I have a question that in the beginning of the movie, the first few scenes of the movie, the entire focus was on the actor's face, Manoj ji's face, and then you know the scenes where the story was being told via his facial expression, and the next line of story moved into the screenplay. With, you know, props, backgrounds, and everything. Yeah, it was designed that way because you don't know who this person is, so you're slowly coming into his situation, his state of mind, and then going into why he is that way. And the thing with short films is that we have the liberty to experiment with narrative structure. I may not be able to pull off this kind of a narrative structure in a feature, so we just. It's very hard to answer a question like that because the pre-production somewhere is also you're filming it in your head, you're allowing your DOP to tell you how actually you can interpret certain things, your sound designer, your editor. So there were 2 months of that, and then we had to shoot it in 3 days because of budget. You have to keep your budget as tight as possible. Anurag will not agree. He thinks it can be even tighter, and I promise I'm going to try. So yeah, I'd say 3 months, the entire life of such a project. Manoj ji, aapse sawal hai. To expect kar sakte hain full feature film banegi aur Anurag, Kashyap, Tigmanshu, Dhulia sir aur aap tino saath ek baar. नहीं, मैंने सबके सामने ये बात जानबूझ के बोली है. आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम कल शूटिंग करने को तैयार है, सारा कुछ रेडी है, कैरेक्टर भी रेडी है, सब कुछ एकदम तैयार है, बस आप शूटिंग के लिए मौका दीजिए, हम 4 दिन में ये रेडी करके आ जाएगा। सर हम इसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस माने उस पिक्चर में, ये पहली झलक है उस पिक्चर की। अनुराग सर, मेरा सवाल आपसे है, मैं भाग रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। इन लोगों के एक दोस्त है सौरभ शुक्ला, वो इंतजार कर रहे हैं, नाराज होगा। हेलो बेटा, फोटो बढ़िया। और ये जो टेक्निकल सवाल जनरली जब वैसे पूछता है तो मतलब ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारा भी समझने की जरूरत है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये फिल्म जो है शूट करना एक अलग चीज है, इसको एक बनाना भी एक अलग चीज है। मेरे ख्याल से ये फिल्म शूट हुई है, लिखी गई है, शूट हुई है, और इतने सारे मोमेंट्स को जोड़ना है, एडिटिंग टेबल पे दोबारा तिबारा बनी है, और वो फिर साउंड डिजाइन के साथ उसको और एनहेंस किया गया है। तो इस तरह की जब आप चीज देखते हैं तो उसमें मतलब मैं कभी देख ही नहीं सकता हूँ। मैं जब फिल्म देखता हूँ, फिल्म आप जब तीसरी या चौथी बार देखते हो तो तब मैं देखता हूँ कि कैसे एडिट किया है, यहाँ पे साउंड डिजाइन में क्या किया है। पहली बार अगर आप अपने आप को फिल्म में खो नहीं दो ना, तो फिर आप फिल्म देख ही नहीं रहे हो। तो जब ऐसा सवाल एक बार देखने के बाद आता है तो मेरे को बहुत ऐसा परेशान हो जाता हूँ। तो मुझसे पूछो, इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था जिसके बाद थोड़ी देर के लिए शांति थी, फिर किसी एक ने ताली बजाई तो फिर हमने भी बजाना शुरू किया। तो वो जो एक इम्पैक्ट था फिल्म का वो बहुत अच्छा होता है। और ये जो फिल्म देखनी चाहिए, आई थिंक इस फिल्म को अगर कोई रिस्पेक्ट दे तो प्रॉपर अच्छे हेडफोन के साथ आप लैपटॉप पे देखें तो उस फिल्म को वो इज्जत दीजिए कि इस फिल्म में जितनी मेहनत गई है वो फिर बाहर निकल के आएगी। आपकी फिल्म और